मामा की असलियत हम सबके सामने आ गई. सब कुछ जानने के बाद उस घर में रहना मेरे लिए आसान नहीं था. और जब यही बात मैं तुम्हें कह रहा था तो तब मेरी बात पे यकीन नहीं किया. आज कोई और करतूत सामने आ गई होगी तो यहां मुंह उठा के चली आई. नहीं आली, आपकी हर बात पे मैंने हमेशा यकीन किया है. प्लीज मुझे घर के किसी भी कोने में रहने दें, मुझे यहां से मत निकालें प्लीज. निकलो यहां से, दफा हो जाओ यहां से. क्या कह रहे हो आली? कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए इस घर में, समझी तुम? आली संभाल, निकलो यहां से. आली संभालो खुद को. नासिर इसे यहां से निकालो, मेरे सर पे खून सवार है, मैं इसका कत्ल कर दूंगा. आली आली संभालो खुद को यार. रहने दें नासिर भाई, आज इन्हें अपने हाथों से मेरी जान ले लेने दे. हाँ तुम्हारी जान लूंगा और तुम्हारी मां की भी जान लूंगा मैं. साथ से तुम्हारा झगड़ा 4 दिन पहले हुआ था, उन्हें अब कंप्लेन करने का ख्याल आया? अस्पताल से अब घर पहुंचा होगा ना, या फिर उसकी मां ने रिपोर्ट करवाई होगी और क्या. अच्छा आप मुझे डिटेल में सब कुछ बताओ, मुझे सिर्फ 10 मिनट मिले हैं मुलाकात के लिए. सर उन्होंने अपना ऑफिस सील कर दिया था और अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेच के वो यहाँ से निकलना चाह रहे हैं. मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि प्लीज मुझे किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकलवाओ. मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि ये अगर मेरे हाथ से इस बार निकल गया ना तो मैं चैन से नहीं रह सकूंगा. मैं चैन की नींद सोना चाहता हूँ. मुझे मेरी बहन की मौत सोने नहीं देती. प्लीज नासिर मुझे यहाँ से बाहर निकलवाओ. किसी तरीके से उसका फोन नंबर एड्रेस कुछ तो पता करो. हेलो, वेरी गुड. तुम एक सेकंड होल्ड करो. हाँ लिखवाओ. ओके थैंक यू. पता नहीं कहाँ चली गई है. मैं क्यों रेस्टोरेंट या पब्लिक प्लेस देखता हूँ, कहीं तो मिल जाएगी वो. मैं भी आपके साथ चलती हूँ. नहीं तुम सुंबुल, सुंबुल कहाँ थी बेटा? सुंबुल क्या हरकत की है तुमने, कहाँ थी? तुम्हें एहसास है कि हम कितना परेशान थे तुम्हारे लिए? कहाँ चली गई थी सुंबुल? आली से मिलने गई थी. आपदा आंटी ने अली को अरेस्ट करवा दिया है. किस जुर्म में? साथ पर कातिलाना हमले के जुर्म में.
था, कहा था। पागल है वो, तो अब कत्ल करने के लिए भी तैयार हो गया है। तौबा 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 तौबा, पत्थर दिल इंसान नहीं है वो, अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साथ को देख के अपना कंट्रोल खो बैठे होंगे, बस इसी बात को बढ़ा चढ़ा के उनको फंसा दिया। अब क्या होगा भाई? मैं कुछ करता हूं, तुम फिक्र नहीं करो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस कागजात तैयार करवाओ, खुला लो और इसे फारिग करो उस पागल से। मैं कई बार आपसे कह चुकी हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मरते दम तक आली के नाम पे बैठी रहूंगी मैं। वही होगा जो तुम चाहोगी। सुन, फिक्र नहीं करो, मैं करता हूँ कुछ। पागल हो गए हो तुम सब, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? मैं एहसन की दादी हूँ।